हाय गाइस, दिस इज निशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ अमेजन फाइंड्स अंडर 400। ये चीज़ें ना मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ एंड ये छोटी छोटी चीज़ें ना आप डे टू डे लाइफ में रियलाइज़ ही नहीं कर पाती होगी कितनी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। सो वही सब मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। दिस इज़ नॉट ए स्पॉन्सर्ड वीडियो, तो रिव्यूज़ ऑनेस्ट होने वाले हैं, प्लस मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करूंगी, तो एंड तक जरूर देखना। एंड विदाउट एनी फर्दर एडो चलिए शुरू करते हैं। सो हमारे पास फर्स्ट प्रोडक्ट है, दिस इज स्टिकॉर्ड नेल्स। आई गॉट इट फॉर 369 रुपीज़। मुझे इस प्रोडक्ट से बिल्कुल भी होप्स नहीं थी क्योंकि मैंने थोड़े बहुत नेगेटिव रिव्यूज़ पढ़े थे कुछ स्टिकॉन नेल्स के, तो मैंने बस ऐसे ही मंगा के लिखा था कि भाई क्या है ये चीज़, नई चीज़ है, तो मुझे थोड़ा चुल थी कि भाई देखते हैं यार क्या है। मंगाया, फर्स्ट टाइम लगाया, बहुत डिसअपॉइंट हुई मैं क्योंकि बिल्कुल भी ठीक से लाइक लगा हुआ था बट मेरे बाल फंस रहे थे उसमें ग्लू में। सो और मुझे लंबे नाखूनों की आदत भी नहीं है तो बहुत ही अजीब सा लग रहा था और ऐसे लग रहा था कि निकल जाएंगे। बट फिर मैंने मैनुअल अच्छे से पढ़ा एंड देन आई कम टू नो हाउ टू अप्लाई इट। सो आपको ये स्टिक ऑन मिल जाएगा, आपके नेल के साइज़ के हिसाब से इन्होंने ग्लू कट कर करके लगाया है। आपको आपके नेल्स फाइल करने हैं प्रॉपरली और क्यूटिकल पुशर से पुश करना है। नेल्स पे किसी भी टाइप का ऐसे मॉइस्चराइजर या ऑयलिंग नहीं होना चाहिए, तभी अच्छे से लगेंगे। आपने बस ये लगाया स्टिक ऑन एंड आपके राइट साइज़ का नेल निकालना है क्योंकि इसमें बहुत सारे साइजेस देके रखेंगे। थंब है तो 3 साइजेस अवेलेबल होंगे, तो आपको चूज़ करना है कौन सा करेक्ट है। वो जस्ट प्रेस करना है, 15 सेकेंड तक प्रेस करके रखना है एंड यू आर गुड टू गो। बस हो गए आपके 10 मिनट में, आप रेडी हो गए। आई वॉज वेयरिंग देम ऑन माई वेकेशन एंड मुझे इतने सारे लोगों ने कॉम्प्लीमेंट दिया था, यार बहुत सुंदर लग रहे थे एंड मुझे भी बहुत मज़ा आया इन्हें पहन के। एंड इट्स वेरी हैंडी कि आपको निकालना है तो आप निकाल भी सकते हो। 8-10 दिन मेरे ये आराम से चल गए थे, सिर्फ एक ही नेल निकल के आया था आई थिंक, और ठीक से लगा हुआ नहीं था या जो भी था, बट सिर्फ एक ही निकला था। सो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है प्रोडक्ट। ये फ्रेंच एंड नेल्स टोस के लिए एंड हाथों की उंगलियों के लिए, सो मुझे तो अच्छा लगा है प्रोडक्ट। आई विल डेफिनेटली गिव इट थम्स अप। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारे पास दिस ब्यूटीफुल सा आई स्टॉल ऑन। आई थिंक दिस इज़ काफ़ी वायरल प्रोडक्ट, सो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। ये मुझे मिला 140 रुपीज़ में। काफ़ी रिसर्च करने के बाद, रिव्यूज़ चेक करने के बाद मैंने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑर्डर किया। बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज़ भी थे कि एक बार आइस जमने के बाद ये निकलता नहीं है, ये ठीक से वर्क नहीं करता, लीक हो जाता है, बट आई शो यू व्हाट्स द करेक्ट वे टू यूज़। आपको यहाँ से पानी फिल करना है और उसके बाद एक नाइट के लिए आपको इसको फ्रीज़र में रख देना है। जब भी आप इसको यूज़ करने वाले हो, इसको फ्रीज़र में से निकाल के 2 मिनट के लिए बाहर रख देना। थोड़ा सा आइस मेल्ट हो जाता है ना तो ये ईजीली ओपन हो जाता है, अदरवाइज़ यू नो आइस का डेंसिटी ज़्यादा होता है, ये बहुत टाइट हो जाता है और अगर आप इसको फोर्सफुली ओपन करोगे ना तो ये ऑब्वियसली इसमें लीकेज का प्रॉब्लम होगा क्योंकि प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगा। सो जस्ट लीव इट फॉर 2 मिनट्स एंड यू आर गुड टू गो। आप इसमें मैंने इसको एलोवेरा जेल के साथ यूज़ किया है, लाइक वाटर के साथ एलोवेरा जेल डाल के, बहुत ही अच्छा प्लम्प इफेक्ट देता है स्किन पे। एंड ऐसा भी बोलते हैं कि मेकअप के पहले अगर आपने आई रोल ऑन यूज़ किया है तो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग मेकअप हो जाता है। मैं जिम से आने के बाद इसको यूज़ करती हूँ और बहुत ही प्यारा सा इधर ऐसे रेडिश स्टिक टिंट वाला फील आता है और बहुत ही इसे फ्रेश फील होता है। आप इसको बीटरूट जूस के साथ या आपका कोई पर्टिकुलर फेस मास्क के कुछ ऐसे आपको प्रोडक्ट डाल के यूज़ करना है तो आप वैसे भी यूज़ कर सकते हो। गर्मियाँ चल रही है, आइस लगाओ फेस पे, कूल फील करो। सो आई विल गिव इट 10 out of 10 एंड थम्स अप। सो नेक्स्ट जो मैं प्रोडक्ट बताने जा रही हूँ ना आप लोगों को, वो सच में हम लड़कियों के लिए वरदान है। दीज आर सिलिकॉन निपल पेस्टीज, सेट ऑफ 2 ऑर्डर किया था मैंने जस्ट इन 251 रुपीज़। आपको इस टाइप का कवर मिल जाएगा और इसमें सेट ऑफ 2 ऐसे फ्लावर शेप वाली निपल पेस्टीज मिलेगी। इट्स रियली कम्फर्टेबल टू यूज़ एंड वेरी हैंडी। सो ऐसे कुछ ड्रेसेस आप कुछ पहन रहे हो या कुछ टॉप ऐसा पहना है कि जिसके नीचे आप ब्रा पहनने के लिए कंफर्टेबल नहीं हो, आपको स्ट्रैप्स वगैरह की परेशानी है, तो यू कैन यूज़ दिस। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, जस्ट रिमूव दिस एंड अप्लाई इट लाइक दिस और ये स्टिक हो जाएगा।
कुछ भी नहीं होगा इसको। तो इट्स रियली सिंपल टू यूज एंड बहुत ही अच्छा सा हैक है, रीयूजेबल है, आप इसको वॉश करके भी यूज करोगे ना तो भी ये स्टिक होगा, प्लस स्वेट प्रूफ भी है। अराउंड वन सेट आप 10 to 15 टाइम इजीली यूज कर सकते हो, तो इट्स वेरी अफोर्डेबल। आई बीन यूजिंग इट सिंस 2 years और इतनी बार मैंने इसको ऑर्डर कर चुकी हूँ कि ये तो मुझे आप लोगों से शेयर करना ही था। बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, एक बार यूज करके देखना है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई विल डेफिनेटली गिव इट थम्स अप। सो नेक्स्ट है मेरे पास मेरा ट्रैवल पार्टनर दिस पी बडी फ्रॉम सिरोना ब्रांड। एंड यू नो गाइस, सिरोना इज वेरी वेल नोन फॉर इंटीमेट हाइजीन। एंड जब भी आप रोड ट्रैवल कर रहे हो और आपको पब्लिक वॉशरूम्स यूज करना पड़े ना, इतना सिर दर्द होता है अच्छा वॉशरूम ढूंढने में, और इंडिया में नहीं मिलता है यार। सो बहुत चांसेस होते हैं यूटीआई वगैरह होने के। आई विल प्रीफर दिस क्योंकि मैं बहुत फ्रीक्वेंटली रोड ट्रैवल करती हूँ, तो मैं इसको हमेशा अपने साथ कैरी करती हूँ। ये कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में आता है और आपको सिंपली ऐसे ओपन करना है, यार गुड टू गो। पूरा प्रॉपर मैनुअल देके रखा है आपको कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आपको सिर दर्द नहीं होता है बार बार का यार कि अच्छा वॉशरूम होगा या नहीं होगा, आधा तो टेंशन रहता है रोड ट्रिप करो तो। सो डेफिनेटली आई विल गिव इट थम्स अप। हम लड़कियों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल चीज़ है, वो भी इतने अफोर्डेबल प्राइजेस में। सो मैं तो बोलूँगी कि आप इसको इसेंशियल्स में डालना, कभी भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो पुट दिस इन योर बैग एंड इन्जॉय योर जर्नी। सो नेक्स्ट है हमारे पास फेस रेजर्स का सेट ऑफ 3। आई गॉट दिस फॉर 123 रुपीज। कुछ इस टाइप की पैकेजिंग आई थी और एक मैं ओपन करके दिखा देती हूँ। सो आपको कुछ इस टाइप का ऐसा कैप मिल जाएगा, सो दैट आप इसको यूज़ करने के बाद, वॉश करने के बाद आराम से रख पाओ और हाथ वगैरह नहीं कटे। इस टाइप की ओपनिंग है। इसके पहले भी मैंने दूसरे ब्रांड का यूज़ करके देखा था, बट उसकी जो शार्पनेस थी ना ब्लेड वाली थी, स्किन पे कट लगने के चांसेस होते थे। बट इसका जो शार्पनेस है ना, वो ऐसे करने पे कट नहीं लगता क्योंकि इस पर कुछ हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स बनी हुई है, तो वो ऐसे करने पे ना कट नहीं लगता है, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाता है बिकॉज आपकी प्लेन सरफेस नहीं होती है, आपको आईब्रो पे भी करना है, अपर लिप्स पे भी करना है और इस एरिया में भी करना है। सो इट्स बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है ये। एंड हाउ आई स्विच टू रेजर, सो आईब्रो और अपर लिप्स तो कराना मैंने काफ़ी सालों से बंद कर दिया था पार्लर से, बिकॉज इट्स रियली पेनफुल प्रोसेस यार। और अपर लिप्स में तो मेरी जान निकल जाती थी, मैं वैक्स करती थी बट मेरे यहाँ पे चीक्स पे ना हमेशा छोटे छोटे से दाने निकल आते थे, तो वैक्स भी मेरे लिए काम नहीं कर रहा था और मुझे फेशियल हेयर्स तो थे, कुछ तो करना था। फिर ये रेजर्स ट्रेंड में आई एंड आई स्टार्टेड यूजिंग इट। 2-3 ब्रांड्स ट्राई किए एंड उसके बाद मैं इस पर स्टिक हो गई। अफोर्डेबल था एंड बहुत ही अच्छी क्वालिटी का निकला, तो अभी मैं इसको अराउंड 1-1.5 साल से यूज़ कर रही हूँ। सेम ब्रांड सेम टाइप के रेजर्स एंड यार, जो एक बार मतलब फेस शेव करने के बाद जो स्मूथनेस आती है ना फेस पे, अब कुछ भी क्रीम लगाओ मतलब ऐसे एक अलग ही ग्लो आ जाता है यार। आई विल ट्राई कि मैं आपको ऐसे ट्राई ऑन शो कर पाऊँ कि हाउ टू रिमूव योर फेशियल हेयर्स। एंड आई विल सजेस्ट कि आप इसको हमेशा रात में यूज़ करके सोए, क्योंकि रात भर में स्किन आपकी हील हो जाती है क्योंकि आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं। दिन में आप डस्ट वगैरह में जाओगे या फिर कुछ भी क्रीम वगैरह अप्लाई करोगे ना आपके फेस पे, तो आपको पिंपल्स वगैरह आ सकते हैं, आपकी स्किन को हार्म हो सकता है। तो रात में जस्ट आप एलोवेरा जेल या शेविंग जेल जो भी आता है वो लगा के आप शेव करो, फेस वॉश करके मॉइस्चराइजर लगाओ और जस्ट गो टू स्लीप एंड नेक्स्ट मॉर्निंग देखना, एकदम ऐसे मैजिकल आपकी स्किन ऐसी बटर स्मूथ हो जाएगी ना, और बहुत ही ऐसे कुछ भी लगाओगे ना अलग ही चमकेगी स्किन। सो डेफिनेटली आई विल गिव इट 10 out of 10। मेरे लिए तो वर्क किया है ये प्रोडक्ट, आप भी ट्राई करके देखना, पसंद आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारे पास बूक टेप। आई गॉट दिस फॉर 349 रुपीज और कुछ इस टाइप की पैकेजिंग मिल जाएगी और ऐसे कुछ 5 मीटर की टेप मिल जाएगी। इट्स रियली यूजफुल गाइस, अगर आप कुछ पर्टिकुलर ड्रेस पहन रहे हो जिसमें आपको ये लगाने की ज़रूरत है। इसमें प्रॉपरली मैनुअल लेके रखा है, आप इसको बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप से अप्लाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर आउटफिट एंड बहुत ही इजीली निकल भी जाता है। लेट मी शो यू, ये मैं ट्रिप्स वगैरह पे जनरली यूज़ करती हूँ। मैन आपका मतलब ड्रेस कुछ ऐसा है कि जिसमें आप ब्रा नहीं पहन सकते, सो दिस इज़ वेरी यूजफुल अपार्ट फ्रॉम दोज सिलिकॉन पेस्टीज। सो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल टेप जैसा ही है, ये कुछ इस टाइप से ओपन होगा और यहाँ पे ग्लू जैसे देके रखा है और ये आप स्टिक कर सकते हो।
पर ये काफी अच्छा होल्ड कर लेता है, लाइक आपको ऐसे पुशअप वाला फील भी देगा। ये अप्लाई कर लिया और इसकी ग्रिप भी बहुत मजबूत है, तो आप इसको ऐसे डायरेक्टली निकालोगे ना तो मतलब स्किन पे रैशेस वगैरह आ सकते हैं। तो यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, यू जस्ट नीड टू अप्लाई कोकोनट ऑयल ऑन दिस लाइक दिस एंड जस्ट रब इट ऑन योर स्किन। अभी तो मैंने इतना प्रॉपरली स्टिक करके नहीं दिखाया, बट उसकी ग्रिप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, सो दैट्स वाई आई सजेस्ट यू टू अप्लाई कोकोनट ऑयल लाइक दिस। भर भर के कोकोनट ऑयल निकालो और वो ऑटोमेटिकली ही बहुत स्मूथली निकल जाएगा। लुक एट दिस, सो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। आप इसको ऐसे निकालने का ट्राई करोगे ना तो आपकी स्किन वगैरह पर रैशेस आ जाएंगे। सो दिस इज़ काफ़ी यूजफुल सा प्रोडक्ट, अगर आप ऐसे कुछ टाइप के ड्रेसेस वगैरह पहन रहे हो तो मस्त चीज़ है उसके लिए। ये भी अराउंड मैं एक साल से यूज़ कर रही हूँ तो मुझे तो अच्छा लगा ये प्रोडक्ट अभी तक, सो आई गिव इट थम्स अप। सो दिस इज इट गाइस फॉर टुडेज वीडियो। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि इसमें से एक भी चीज़ आपको यूजफुल लगी हो। अगर आप यूज़ कर रहे हो इनमें से कुछ चीज़ें तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और आपको ऐसे कुछ तो वायरल प्रोडक्ट्स ट्राई करने का मन है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगी वो सब इंक्लूड करने का। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर दो, सब्सक्राइब ज़रूर से कर दो चैनल को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।